नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत की चिप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। भारत को बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। दरअसल दोस्तों, खबर ये है कि जापान की एक कंपनी है सार्प ने अभी अपने जो आईटी मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी, इनसे बातचीत करी है और वो अब प्लान कर रही है भारत में एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जिसका अभी वैल्यू है $3-5 बिलियन। कुछ रिपोर्ट $3-5 बिलियन बोल रही हैं और कुछ रिपोर्ट आए जो $3-6 बिलियन बोल रही हैं। तो दोस्तों, अब समझते हैं कि पूरी खबर ये है क्या, इससे भारत को क्या फ़ायदा होने वाला है और इसमें टाटा ग्रुप की क्या भूमिका है चिप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो दोस्तों, आइए पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं, एक एक पॉइंट को, और इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि भारत में ही सारी कंपनियां क्यों आ रही हैं, पिछले 1-1.5 साल के बीच में ऐसा क्या हुआ कि भारत की जो चिप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है बूम कर रही है और दूसरे देशों की कंपनियां भारत में आ रही हैं। दरअसल दोस्तों, बात यह है कि भारत में एक PLI स्कीम लाई गई है और ऐसे ही एक मतलब चिप मैन्युफैक्चरिंग कोई भी कंपनी करेगी उसके लिए एक इंसेंटिव स्कीम लेकर आई है भारत सरकार, $10 बिलियन का अमाउंट। $10 बिलियन बहुत होता है। उसमें ये बोला सरकार ने कि हमारे यहाँ आइए, चिप मैन्युफैक्चरिंग करिए, एक अपना प्लांट लगाइए और आपका जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा उसका 50% एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट बियर करेगी। इस जो भी एक्सपेंस होगा चिप मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो ये एक बहुत ही बड़ा इंसेंटिव हो गया। ये तो रही बात सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया है, इसके साथ ही साथ कुछ स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने अपनी तरफ से अलग से कुछ अनाउंसमेंट करी है। जैसे कि बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात की गवर्नमेंट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ने ये बोला कि जो आपको 50% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी वो तो आपका है ही है, साथ में 20% हम भी देंगे आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर पे 20% का इंसेंटिव। ये गुजरात ने बोला। ऐसे ही उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश ने ये 25% बोला है कि 50% आपको सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 25% उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट देगी। ऐसे ही उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में भी बोला गया कि 50% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी इंसेंटिव और 25% उड़ीसा की गवर्नमेंट देगी। तो ये एक अट्रैक्टिव चीज़ मिल गई कंपनियों को, विदेश की जो भी कंपनियां हैं उन सबको लगा कि यहाँ पर हमारा जो भी खर्च लगेगा उसका 50% तो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल रहा है, और अगर हम किसी स्टेट में जाते हैं जिन्होंने इंसेंटिव दे रखा है तो वहाँ चल के क्यों नहीं इसको 70-75% का हम कैपिटल एक्सपेंडिचर एज अ इंसेंटिव ले लें, इसलिए वो आने के लिए रेडी हो गई हैं। तो उसी सीरीज़ में अभी एक कंपनी है जापान की सार्प ने भारत सरकार के जो मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी उनसे बात करी और प्लानिंग कर रहे हैं वो इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगाने के लिए, और उनका अभी अनुमान है कि वो $3-5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे और वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे चिप्स, और वो जो चिप बनाएंगे वो जो बड़ी बड़ी स्क्रीन्स होती हैं उसके लिए वो लगाएंगे प्लांट, उसके लिए चिप्स बनाएंगे। तो ये भारत में अगर ये $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ये समझ लीजिए कि ये जापान की कंपनी भारत में इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने वाली है कि इसने इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जापान में भी नहीं लगाया हुआ है अपना, तो ये इसका सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा। और ये इसी प्लांट से भारत से ही भारत में भी सप्लाई करेंगे चिप्स की, और भारत के बाहर ये मतलब यहाँ से एक्सपोर्ट भी करेंगे दूसरे कंट्रीज के लिए। तो ये तो एक बहुत ही बड़ी चीज़ हो गई, इससे भारत और जापान के रिश्ते भी बहुत अच्छे होंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों, इससे पहले भी न्यूज आ चुकी है, जैसे कि हमने जनवरी और फरवरी के टाइम पर देखा था कि ताइवान की कंपनी भी आने वाली थी भारत में, हालांकि उसका कुछ चीज़ें फंस गई, पेचीदा चीज़ें हो गई जिससे वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए रुक गई है, लेकिन थाईलैंड की एक कंपनी है, थाईलैंड और एक
थाईलैंड की कंपनी जो है उसने तो ये बोला कि हम $222 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे, स्टार उसका नाम है, उसने अपना अनाउंस किया था ये फरवरी में। ऐसे ही एक जापान की ही एक और कंपनी थी, उसने भी रिनायंस करके नाम है उसका, जापान की जो कंपनी है, उसने भी अनाउंसमेंट करी थी और वो भी भारत में इन्वेस्टमेंट के लिए आ रही है। ऐसे ही अगर पिछले साल 2023 की बात करें तो यूके की एक कंपनी है, उसने ये बोला था कि हम उड़ीसा में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगे और 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। ऐसे ही अगर हम थाईलैंड की बात करें, यूके की कंपनी की बात हो गई, ऐसे ही इसराइल की एक कंपनी है, उसने भी भारत में इन्वेस्टमेंट की बात बोली है, वो तो $8 बिलियन तक की इन्वेस्टमेंट की बात कर रही है। यूके की कंपनी, यूएस की कंपनी, थाईलैंड की कंपनी, ये सोचिए इतनी कंपनियां भारत में आ रही हैं कि भारत सरकार ने जो $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट पे जो ये इंसेंटिव दे रखा था, जो प्रपोज किया था, वो अमाउंट सोचिए इनका ख़त्म होने वाला है। तो भारत सरकार ने ये बोला है कि हम एक नया अनाउंसमेंट करेंगे इंसेंटिव के लिए अमाउंट, क्योंकि ये तो हमारा ख़त्म होने वाला है। अब सोचिए इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भारत में आ रहा है चिप मैन्युफैक्चरिंग में कि भारत सरकार को $10 बिलियन भी ख़त्म होने वाला है। नया इन्वेस्टमेंट, अब ये नई इंसेंटिव स्कीम लॉन्च करेंगे जिससे कि दूसरी कंपनियों को ये एक मतलब प्रलोभन कह लीजिए या उनको बेनिफिट देना चाहते हैं। ये इतना बड़ा अमाउंट है कि चाइना जैसी देश ने भी एक दो सालों में इतना बड़ा अमाउंट नहीं दिया था। चाइना ने भी जो इंसेंटिव दिए थे वो 25 से 30 साल में इतने बड़े अमाउंट को दिया था, जो भारत ने एक से दो सालों में देने के लिए अपना बजट एलोकेट कर लिया है और दे भी दिया है। अब सोचिए दूसरा अमाउंट देने जा रहा है। ये तो रही बात कि भारत में बाहर की कंपनियां क्यों आ रही हैं और ये भारत में इन्वेस्टमेंट कैसे कर रही हैं, भारत की सरकार उसमें क्या हेल्प कर रही है, ये तो रही बात ये। अब दोस्तों एक चीज़ और भी हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि इन सब चीज़ों में टाटा ग्रुप का क्या करना है, टाटा ग्रुप की क्या भूमिका है चिप मैन्युफैक्चरिंग में। दोस्तों बता दें आपको कि टाटा ग्रुप ने चिप मैन्युफैक्चरिंग में भारत में उतरने का फैसला उस वक्त किया जब कोई दूसरी कंपनी सोच भी नहीं रही थी कि भारत में ऐसा कुछ करना है, लेकिन टाटा ग्रुप इस चीज़ में आगे आया। ये समझ लीजिए कि उसने अपना एक प्लांट आसाम में लगाया, दूसरा प्लांट एक गुजरात में लगाया, गुजरात के धोलेरा में, जो धोलेरा सिटी है बहुत ही खूबसूरत है, वहाँ पे इन्होंने प्लांट लगाया। और फिर टाटा ने ये भी बोला कि अब हम जो एक्सपर्टीज़ है इसमें वो ताइवान के लोगों की है चिप मैन्युफैक्चरिंग में, तो इन्होंने कहा अब हम लोगों को हायर करेंगे ताइवान से, ताकि उन लोगों से हम यहाँ पर अच्छी चीज़ें करा सकें, उनसे अच्छी चीज़ें सीख सकें और इस सेक्टर में काफ़ी आगे बढ़ सकें। दूसरी चीज़, स्टार्टिंग में टाटा ग्रुप ने ये बोला था कि हम 28 nm में जो चिप होती है nm की, उसमें हम डील करेंगे, उसी में काम करेंगे, लेकिन टाटा ग्रुप ने उस पर इतना ज़्यादा अच्छे से काम किया कि अब टाटा ग्रुप 14 nm की जो चिप होती है उसमें अब इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये तो दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है भारत के लिए कि भारत की ही कंपनी एक आ रही है और विदेशी कंपनियां भी भारत में आ रही हैं और वो इस पर सहयोग कर रही हैं। ये भारत के ग्रोथ इंजन को और फास्ट ले जाने वाली चीज़ है। सोचिए दोस्तों एलन मस्क, टेस्ला कंपनी जो इंडिया में आने वाली है, उसकी भी इन्वेस्टमेंट जो है वो $3 बिलियन तक की है, और ये जो स्टार कंपनी जापान की आ रही है ये $6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने वाली है। सोचिए कितनी ज़्यादा यहाँ पर जॉब्स आएंगी। $6 बिलियन बहुत ही ज़्यादा होता है। सोचिए कि हमारा जो डिफेंस का जो बजट है वो $75 बिलियन का है और ये $6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होगी, $5 बिलियन या $6 बिलियन जितनी भी हो जाए, क्योंकि रिपोर्ट में एग्जैक्ट क्लियरिटी नहीं है कि एग्जैक्ट कितना करेंगे, लेकिन कुछ रिपोर्ट $3 से $5 बिलियन बोल रही है, कुछ रिपोर्ट $3 से $6 बिलियन बोल रही है। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ा नंबर है, बहुत ही बड़ा अमाउंट है, भारत के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि भारत में ऐसी इन्वेस्टमेंट होने जा रही है। एक बार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगेगा, भारत के लोगों को जॉब्स मिलेंगी और भारत की ग्रोथ इंजन जो ग्रोथ चल रही है वो बहुत ही तेज आगे बढ़ेगी। दोस्तों हमें बहुत ही ये खुशी की बात है हमारे लिए, हमें दिल से धन्यवाद करना चाहिए इस कंपनी का, टाटा ग्रुप की जो जापान की जो ये कंपनी है स्टार। दोस्तों इससे जुड़ी हुई और जो अपडेटेड न्यूज आएगी मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।